लेकिन जैसे कक्ष से बाहर निकले, माँ बहन की गाली दे रहे थे, सर कोई बात नहीं सर, हम उठ के अपना अपना गाड़ी में अपने से ड्राइव करते हैं सर, तो अपना गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी से जब हम बैक कर रहे थे, फिर माँ बहन की गाली देखे, मारो साले को, और फिर वो मेरे सर पे मारने का कोशिश किया सर, लेकिन हम थोड़ा झुक गए। यहाँ यहाँ पे हमको चोट भी लगा सर, मेरा गला दबाया सर। उनको निहत नहीं था, वो गए कि सर बात कीजिए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और गाड़ी में गए सीसा भीड़ कि सर उतरिए, और चलल जा रहे थे, और इतने में वो अचरन लगा दिया कि मारपीट किया। जब मारपीट किया तो दिखाइए कहाँ छीलल है, कहाँ दाग है, अचरन लगा रहे, कैसा कैसे कर रहे हैं, राजनीति करवाने आए हैं, इनको निहत नहीं है कार्य करने के लिए, एक भी कार्य नहीं हुआ है सर। देख दीनानाथ आए हैं, जब से एगो कार्य नहीं होता है, कार्य पुस्तक अभी तक नहीं लिखाया है सर। जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मारपीट के आरोपों के बाद चेयरमैन रूपा देवी सामने आई। अपने पति अशोक पासवान उर्फ टीटी पर लगाए गए आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सह ने नगर थाने में चेयरमैन रूपा देवी के पति अशोक पासवान उर्फ टीटी के विरुद्ध मारपीट की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर परिषद अध्यक्ष रूपा देवी ने कहा कि मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है, नगर के विकास को लेकर उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो मिलते ही नहीं थे और ना ही कोई काम होने देते थे। साफ सफाई के नाम पर सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे थे। पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है रूपा देवी का, और फिर सुनिए क्या है पूरा मामला। उनको निहत नहीं था, वो गए कि सर बात कीजिए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और गाड़ी में गए सीसा भीड़ कि सर उतरिए, और चलल जा रहे थे, और इतने में वो अचरन लगा दिया कि मारपीट किया। जब मारपीट किया तो दिखाइए कहाँ छीलल है, कहाँ दाग है, कहाँ क्या है, इसे झूठ मूठ कह दीजिएगा। निहत से नहीं, साफ निहत से गए कि चलिए सर बात कीजिए हमसे, क्यों नहीं बात कीजिएगा, हम अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं बात कीजिए, हम आ रहे थे सीढ़ी से उतर ही रहे थे, और इतने में भागल जा रहे थे, तो गए गाड़ी भीड़ कि चलिए सर बात कीजिए, और नहीं बात किए, अब भाग गए, अब अचरन लगा रहे, कैसा कैसे कर रहे हैं, राजनीति करवाने आए हैं, इनको निहत नहीं है कार्य करने के लिए, एक भी कार्य नहीं हुआ है सर। देखिए मीटिंग होता है सर, देखिए वेंडिंग जोन बनाने के लिए, काका बनाने के लिए, सब मतलब मीटिंग, कोई भी कार्य नहीं होता है, बहुत सारा कार्य लेते हैं, गरीब के मतलब दर दुकान मिले, बनावे बोर्ड लगे, काका कहाँ कहाँ न गए हैं, मंत्री मंत्री सगरों गए हैं, लिख के दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है कि अधिकारी है, ये अधिकारी चलते कोई कार्य नहीं होता है। देख लीजिए सर, देख लीजिए काका हुआ, मैंने आपकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं सुनवे नहीं करते हैं कि महिला अध्यक्ष है, अति है दुसाद चमार है, इसको बात नहीं, आपको ये कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, नहीं हक छीन लेंगे हक, भेदभाव करते हैं, हाँ भेदभाव करते हैं। अच्छा तो कल मारपीट जैसी घटना कुछ नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं हुआ, सब फंसाने का साजिश है खाली, और कुछ नहीं हुआ। क्या आप मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमको अन्याय मिले, हमको साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, हम डीएम भी साहब रिची पांडे थे जबरी, उनको पास में बहुत कंप्लेन किए हैं, लेकिन कोई भी नहीं कार्य हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ कहाँ नहीं गए मंत्री साहब। कब से विकास बाधित है यहाँ पे? जब से हम आए हैं, जब से कर रहा है, दुगो कार्यपालक साहब थे तो ठीक थे। जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। नगर परिषद के अध्यक्ष रूपा देवी के पति द्वारा मारपीट कर घायल करने का कार्यपालक पदाधिकारी ने आरोप लगाया है। घायल कार्यपालक पदाधिकारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सह ने बताया कि अपने कार्यालय में वो काम कर रहे थे, एक जांच के लिए काम के बाद निकले थे, तभी अध्यक्ष के पति अशोक पासवान उर्फ टीटी नगर परिषद के मुख्य द्वार पर जमावड़ा लगा रखा था। इस दौरान बाहर निकलते ही कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह का आरोप है कि उनके द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दी गई। गाली गलौज करने के बावजूद जब वो बिना कुछ जवाब दिए गाड़ी में बैठने लगे, तभी अध्यक्ष के पति ने आकर पकड़ लिया और हाथापाई शुरू कर दी, गला दबाने लगे। हालांकि किसी तरह वहां से वो जान बचाकर भागे। इस घटना में उनका कहना है कि उन्हें कई जगहों पर गंभीर चोट आई है।
आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी इनके द्वारा गाली गलौज किया जाता रहा है। इसकी सूचना उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को भी दी थी। जहानाबाद नगर परिषद लगातार विवादों के घेरे में रहा है। जब से चुनाव हुआ है तब से लगातार कुछ न कुछ घटना हो रही है। इस घटना से नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों में भय का माहौल कायम हो गया है। इधर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। सर मामला कुछ नहीं था, हम अपने कार्यालय में काम कर रहे थे सर। 3-4-5 लोग आए हुए थे, आराम से बैठ के काम कर रहे थे। उसके बाद एक जांच में जाना था सर, तोता यादव जी का स्थल जांच था। कल डीएम साहब के माने 17 तारीख को सुनवाई था, तो स्थल जांच के लिए निकलने लगे अपने कक्ष से। कक्ष में कुछ भी नहीं हुआ। बाहर जब कक्ष के बाहर निकले तो जमावड़ा था सर, वहाँ पे 30-35 आदमी लोग थे, उसमें एक अशोक पासवान जी भी थे सर। तो बाहर निकलते उनको देखे हुए सर आज हमको 15 दिन हो गया है, ना हम अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी के पति को देखे हैं, ना हम अध्यक्ष जी को देखे हैं। माने 10 से 15 दिनों, माने कोई भी कुछ भी बोला वाले नहीं। लेकिन जैसे कक्ष से बाहर निकले माँ बहन की गाली दे रहे थे सर। कोई बात नहीं सर, हम उठ के अपना गाड़ी में अपने से ड्राइव करते हैं सर, तो अपना गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी सर जब हम बैक कर रहे थे, फिर माँ बहन की गाली देखे, मारो साले को, और फिर वो मेरे सर पे मारने का कोशिश किया सर। लेकिन हम थोड़ा झुक गए, यहाँ पे हमको चोट भी लगा सर, मेरा गला दबाया सर, बोलता है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, पहले भी कार्यपालक को हम फंसा चुके हैं। यही है सर, इसके पहले भी पूर्व के युग के साथ इन्होंने ये किया है सर। इसी अशोक पासवान बोल, अध्यक्ष जी के पति जी हैं, टीटी पासवान बोलते हैं उनको। क्या चाहते तुम? हमको क्या मालूम, जब हम आपको बोल रहे हैं कि 10 दिन 12 दिन से हम उनको देखे भी नहीं है, ना अध्यक्ष जी को देखे ना ये, हम आधिकारिक बोल रहे हैं सर। अब हमको क्या मालूम सर ये बात, हमने नहीं, हमारे कक्ष में 4-5 या 3-4 वार्ड पार्षद थे बस। हमको बाहर में क्या हो रहा है हमको क्या मालूम, क्या उनकी मंशा रही होगी सर। अब सर हम ये क्या बताएंगे सर, इसका कुछ आप नहीं 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 क्या चीज का विवाद, हमको आए हुए 3 महीना हुआ, क्या चीज का विवाद सर, हमारा बात है। नहीं कोई नहीं, कभी नहीं। एक बार इसके पहले भी गाली गलौज किए थे, तो हम अपने वरीय पदाधिकारी को माने मौखिक बताए हुए थे। गाली गलौज देने का आदत है सर, क्रिमिनल हिस्ट्री भी पता चला कि है। बस सर किसी को फंसाना नहीं चाहिए, वो बुला रहे थे किसी को, लेकिन कोई नहीं आया, वो अकेले मारपीट किए, किसी को झूठा नहीं फंसाना चाहिए सर। हाँ, एक मामला हमारे प्रकाश में आया है जिसमें उनके साथ मारपीट की गई है, और उसके बाद हम लोगों ने चिकित्सा इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजे हैं, और इस मामले में उनसे आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, और जिनका भी नाम आता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।